नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 27 जुलाई को श्रीलंका में मौजूद भारतीय क्रिकेट टीम से ऐसी खबर आई कि समूचे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। यही नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले को भी स्थगित करना पड़ा, क्योंकि दूसरे टी20 के शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर कृणाल पांड्या का जब कोरोना वायरस टेस्ट हुआ तो वो उसमें पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद 27 जुलाई को खेले जाने वाले मैच को अगले दिन यानी कि 28 जुलाई को कराए जाने का फैसला किया गया। लेकिन कृणाल के कोरोना पॉजिटिव होने से भारतीय टीम के कोच द्रविड़ के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि वो आज की टीम में किन खिलाड़ियों को मौका दें, क्योंकि कृणाल के पॉजिटिव होने से पहले भारतीय टीम के अन्य 8 सदस्य भी उनके संपर्क में थे, जिनके नाम युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, कृष्णप्पा गौतम, देवदत्त पडिकल और मनीष पांडे। हालांकि इन खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन अगर ये खिलाड़ी आखिरी 2 मैचों में नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय टीम इंग्लैंड में 20 मुख्य टीम के खिलाड़ी और 5 स्टैंडबाई खिलाड़ियों के साथ श्रीलंका गई। ऐसे में अगर कृणाल समेत ये 8 खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम के पास केवल 11 खिलाड़ी बचेंगे, जिनके नाम नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, संजू सैमसन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, चेतन सकारिया, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती। वहीं 4 स्टैंडबाई खिलाड़ियों की बात करें तो ईशान परोल, संदीप वॉरियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर, सिमरजीत सिंह। ऐसे में भारतीय टीम के लिए आज के मैच के लिए टीम का चयन करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि खबरें हैं कि कृणाल के संपर्क में आने वाले खिलाड़ियों का मैच से पहले एक बार फिर कोविड टेस्ट किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो कुछ खिलाड़ी टीम में चुने जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन ये तो तय है कि आज टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर हम कृणाल के संपर्क में आए कुछ खिलाड़ियों को टीम में रखें तो आज के मैच के लिए संभावित प्लेइंग 11 कप्तान शिखर धवन, देवदत्त पडिकल, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश राणा, संजू सैमसन, मनीष पांडे, कृष्णप्पा गौतम, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चहर और राहुल चहर के रूप में हो सकते हैं। वैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आप दूसरे टी20 में किन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते हैं तो उनके नाम हमें कमेंट कर जरूर बताएं।